जयपुर के दौलतपुरा में तालाब में नहाने का प्लान पांचों दोस्तों ने शनिवार रात को ही बना लिया था। घर वालों को बिना बताए नाबालिग दोस्त अपने अपने घरों से निकले थे। प्लानिंग के तहत पहले कॉलोनी में माता के मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद तालाब पर नहाने पहुंचे थे। मौत के मुंह से बचकर आए तीन दोस्त तालाब पर किनारे पर नहाने के कारण बच गए। मरने वाले दोनों दोस्त बीच तालाब में पहुंच गए, लेकिन अचानक मिट्टी धंसने से डूब गए। ग्रामीण मोटे रस्से की मदद से तालाब में उतरे। तालाब में मिट्टी धंसने से 20 फीट नीचे मिलने दोनों की लाश निकाली। दोनों मृतकों की शव यात्रा व अंतिम संस्कार में कॉलोनी के साथ आखिरी समय नहाने गए दोस्त भी मौजूद थे। हादसे में मनीष गुप्ता, जिसकी उम्र 14 वर्ष, पुत्र रघुनाथ और रोहित बुनकर, उम्र 16 वर्ष, पुत्र बाबूलाल, निवासी बालनाथ नगर, रोड नंबर 17, विश्वकर्मा की मौत हो गई। मनीष के पिता रघुनाथ गुप्ता परचूनी शॉप करते थे। मनीष के घर पर पिछले करीब 4 साल से रोहित परिवार के साथ किराए पर रहता था। रोहित के पिता बाबूलाल एक कंपनी में जॉब करते हैं। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि पांचों अच्छे दोस्त हैं। वह पहली बार बिना बताए घर से नहीं गए हैं। इससे पहले भी वह घूमने जाते रहते थे। सुबह घूमने की प्लानिंग रात को कर लेते थे, जिसके बाद सुबह घर वालों को बिना बताए घर से निकल जाते थे। आंकेड़ा डूंगर स्थित तालाब में नहाने का भी रात को ही प्लान बना लिया था। सुबह करीब 6 बजे घर से निकलने के बाद माता मंदिर के दर्शन कर तालाब पर नहाने पहुंच गए। तालाब में 5 दोस्तों के डूबने की सूचना पर कॉलोनी के लोग पहुंच गए थे। कॉलोनी के रवि चौधरी और संदीप वर्मा ने बताया कि तालाब पर लोगों की भीड़ लगी थी। इरशाद, निखिल और अनिकेत तालाब में डूबे अपने दोस्तों के बारे में पूछ पूछ कर रो रहे थे। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि पांचों दोस्त नहाने आए थे। तीन किनारे पर नहाने लगे, दो दोस्त धीरे धीरे तालाब में आगे बढ़ रहे थे। अचानक मिट्टी धंसने से रोहित डूबने लगा, जिसे बचाने के प्रयास में मनीष भी डूब गया। दोनों को डूबते देख कर किनारे पर नहा रहे तीनों दोस्त चिल्लाने लगे। इरशाद उन्हें बचाने के लिए भागा तो वहां भी मिट्टी धंस गई। समय रहते पास खड़े अनिकेत ने हाथ पकड़कर खींच लिया। चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग दौड़े। मोटे रस्से की मदद से ग्रामीण तालाब में उतर गए। करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद दोनों दोस्तों के शव मिले। दोनों शव तालाब में करीब 20 फीट नीचे मिट्टी में धंसे मिले। घूमने के वक्त से गए थे 5 बच्चे, जिसमें से वो पानी में वहाँ पर काफी गड्ढा है, कुआं है, जिसमें प्रशासन की भी लापरवाही है। कई बार ऐसे हादसा हो चुकी है, पर प्रशासन ने इस पर कुछ कार्रवाई नहीं की है। काफ़ी गड्ढा है, तो ये बच्चे उसमें गए